हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने शॉर्ट्स में वीडियो बनाया था या फिर शॉर्ट्स में मैंने एक चैलेंज लिया था कि सबवे सर्फर्स की रेप्लिका गेम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर भी मैं सेम करूंगा लेकिन मैं पूरा कोड भी दिखाऊंगा आपको ताकि आप भी सबवे सर्फर जैसा गेम बना सकते हैं। उस टाइप का या फिर उस चीज़ का पूरा एसेट्स तो नहीं दिखा ले सकता मैं डायरेक्टली, कॉपीराइट पड़ सकता है, इसीलिए मैं बस आपको कोडिंग दिखाऊंगा। आप एसेट्स उसको कोई भी लगा दीजिए वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो शायद एक प्लेलिस्ट बन सकता है इसके ऊपर कि अगर ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो एक प्लेलिस्ट ही बनाऊंगा, 3-4 वीडियोस उसमें डाल दूंगा। ओके सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट लिया, 3D सीन लिया है। यूनिटी में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं 2022 यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप यूनिटी 2022 एंड यहाँ पर एक मेन कैमरा एंड डायरेक्शनल लाइट है। ओके तो मैं यहाँ पर सीन्स में गेम सीन जो है नया वाला सीन है यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है पूरा। अभी हम इसको पूरा सबवे सर्फर्स जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं 3D ऑब्जेक्ट एंड प्लेन। ओके तो प्लेन में यहाँ पर ग्राउंड लगा देंगे, नेम इसको ग्राउंड देंगे एंड ऑल्सो हमें इसमें सिने मशीन लगेगा, तो मैं सिने मशीन भी डाउनलोड कर दूंगा। कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, पैकेज जैसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो ग्राउंड में यहाँ पर इसको रीसेट करता हूँ। ओके रीसेट हो गया ग्राउंड एंड सबसे पहले तो मैं इसको R प्रेस करूँगा, ग्राउंड के ऊपर क्लिक करके R प्रेस करूँगा तो ये आता है, ये देखिए WASR, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए ये जो है ये क्यू से आता है। ओके क्यू उसके नीचे वाला W से आता है, ये जो कि मूव कर सकते हैं एंड उसके साइड वाला ई जो ई अगर प्रेस किया तो रोटेशन पे आएगा, आर प्रेस किया तो ये आता है, टी प्रेस किया तो ये आता है एंड वाई प्रेस किया तो सब कुछ आता है। ओके तो मैं यहाँ पर आर जो है स्केल करूँगा इसको, आई गेस स्केल जो है यहाँ पर मैं 10 कर दूंगा। ओके प्रॉपरली हो गया स्केल और इसका जो ग्राउंड है मैं इसको थोड़ा मूव करूँगा, ग्रेट तो यहाँ पर 43 आ गया है, 50 आई गेस नॉट 50 40 करेंगे, 40 और 10 मैंने इसको ग्राउंड को मूव कर दिया है। मैं इसको सेव करता हूँ तो इसके ऊपर मैं एक प्लेयर लगाऊंगा हमारा, नॉट 10 हमें इसको नहीं बढ़ाना है, मैं इसको 1 करता हूँ, इसको 10 रखता हूँ मैं एंड इसको भी 0 कर दूंगा 10 और हमें ये साइड में चेंज करना है। ओके ग्रेट जेड को 10 करना है एंड इसको इस साइड मूव करूंगा मैं, तो हमारा जो प्लेयर है गेम सीन में ऐसा कुछ दिखेगा कि सामने जो है एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, माय बैड। तो इसको 10 एंड इसको 40 तो ये परफेक्ट होता है, आप ऐसे ही रखिए 10 और 40 और हमको बस एक्स या फिर वाई डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए। ओके तो मैं यहाँ पर प्लेयर को जो है 3D ऑब्जेक्ट एंड एक कैप्सूल लेता हूँ एंड इसको नाम दूंगा प्लेयर। नाम हमेशा सबसे पहले नाम ही दीजिए गाइस ताकि आपको समझ में आए, तो प्लेयर नाम दिया मैंने। इसका जो ट्रांसफॉर्म है इसको मैं रीसेट करूँगा। ओके तो रीसेट ट्रांसफॉर्म, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसको, ये ग्राउंड के नीचे चला गया है। ओके तो इसको ग्राउंड के ऊपर कैसे लाना है, प्लेयर को सिलेक्ट कीजिए, ये ग्रीन एरो है इसको ऊपर कीजिए, ऑटोमेटिकली ये जो है 1 हम इसको कर सकते हैं। नाइस ओके तो मैं इसको भी थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं, या तो 0 ही अच्छा है। तो हमारे गेम में प्लेयर जो है वो यहां पर दिखाई देगा। मैं जो ग्राउंड है इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं, तो यहां पर ये देखिए मटेरियल्स है, तो मैं यहां पर एक मटेरियल्स का भी फोल्डर क्रिएट करता हूं, क्रिएट अ फोल्डर मटेरियल्स एंड इसके अंदर मैं ग्राउंड क्रिएट अ न्यू मटेरियल ओके क्रिएट अ न्यू मटेरियल ग्राउंड, तो मैंने इसको ग्राउंड दे दिया है एंड इसको जो है वो थोड़ा सा मैं कलर जो है इसका ब्लैक रखूंगा। ओके परफेक्ट, और जो हमारा ग्राउंड है ग्राउंड के ऊपर जो भी यहाँ पर डिफॉल्ट मटेरियल है मैं इसको ग्राउंड में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ओके तो परफेक्ट, यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट व्यू दिखता है हमें, और जो भी मेन कैमरा है ये तो
स्काई बॉक्स दिख रहा है तो सॉलिड कलर अगर दिखाई देगा, और हम इसको थोड़ा सा वाइट में रख सकते हैं। परफेक्ट। ओके, गेम सीन में आप देख सकते हैं वाइट है, हमारा प्लेयर भी वाइट है और ये जो है ग्राउंड है। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, हमको प्लेयर को मूवमेंट देना है लेफ्ट एंड राइट। तो हम सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट देखेंगे क्या करना है। तो इसके लिए मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, प्लेयर कंट्रोलर, यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट में पहले ही डाल दिया है। तो मैं यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर नाम से एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा। न्यू स्क्रिप्ट पे जाइए, ये मैंने पहले से ही बना के रखा है। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो न्यू स्क्रिप्ट एंड ओके प्रेस कीजिए, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। न्यू स्क्रिप्ट कीजिए आप, एंड उसके बाद में प्लेयर कंट्रोलर है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो डबल क्लिक करने के बाद में ये जो है हमारा प्लेयर कंट्रोलर ओपन हो गया है। नॉर्मल है, कुछ भी मैंने यहाँ पर अभी किया नहीं है, और हमें वो भी देखना है कि हमें तो हमें ये भी देखना है गाइस कि कैसे जो प्लेयर है वो मूव करेगा, या लेफ्ट साइड में 2 या फिर राइट साइड में 3 कितना मूव होना चाहिए, मैं ये देखता हूँ पहले। तो यहाँ पर प्लेयर है हमारा और इसको मैं मूव करके देखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इसको हमें इस साइड मूव करना है, लेफ्ट साइड पे मैं 3 तक मूव करूँगा। ये देखिए यहाँ पर -3 अगर लेफ्ट में करना है तो, यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे भी करूँगा तो +3, तो +3 तक हमको जाना ही जाना है। ओके ओके, प्लेयर कंट्रोलर नाइस, तो हमें +3 तक जाना ही है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ पब्लिक फ्लोट लेन डिस्टेंस इक्वल्स टू 3f। ओके, तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस बिटवीन लेन्स दिख देता हूँ। एकदम पहले तो नॉर्मल स्क्रिप्ट करूँगा, नॉर्मल से नॉर्मल जितना हो सके उतना मैं देखूँगा गाइस। अपडेट फंक्शन में हम लिखेंगे इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन। गेट की डाउन में क्या होता है, की कोड हम चेक करेंगे, की कोड डॉट लेफ्ट एरो। अगर लेफ्ट एरो प्रेस किया हमने, ओके, तो हमें पहले लेन नंबर भी देना पड़ेगा 0, 1, 2, यानी कि 0 में है तो लेफ्ट साइड में है, 1 में है तो मिडल में है, राइट साइड इज फॉर 2। सो पब्लिक फ्लोट नॉट इंट लेन नंबर, कौन से लेन नंबर में है वो, इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पर भी मैं कमेंट डाल देता हूँ कि 0 इक्वल्स टू लेफ्ट, 0 लेफ्ट है, 1 इक्वल्स टू राइट, 2 इक्वल्स टू राइट, नॉट 1 इक्वल्स टू राइट, 1 इक्वल्स टू मिडल। ग्रेट, तो हमने यहां पर लेफ्ट एरो पे प्रेस किया है, लेफ्ट एरो प्रेस किया एंड इसके साथ हमें चेक भी डालना पड़ेगा, यानी कि वो बार बार लेफ्ट ना जाते रहे उसके लिए हमें चेक भी डालना है, वो हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर लेफ्ट एरो में क्लिक है तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इक्वल्स डॉट वाई इक्वल्स टू माइनस लेन डिस्टेंस। हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो हमें न्यू वेक्टर लेना पड़ेगा। ओके, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 3 इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 3, हमें जो भी ट्रांसफॉर्म है हमारा, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स, हमें मूवमेंट कौन से पे चाहिए वो भी डिपेंड करता है। ट्रांसफॉर्म हमें मूवमेंट चाहिए, ये देखिए एक्स में मूवमेंट चाहिए तो हमें एक्स में ही मूवमेंट करना करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट वाई कॉमा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट जेड। ओके, तो यहाँ पर हमें एक्स में चेंज करना है तो हमें एक्स में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको +3 करना पड़ेगा, नहीं अगर लेफ्ट साइड में जाना है तो इसको -3 करना पड़ेगा।
ओके, माइनस लेन डिस्टेंस। ओके, तो यहां पर हमने माइनस थ्री किया है, एल्स इफ हमें सेम कॉपी करना है, इनपुट डॉट गेट गेट डाउन, बस यहां पर लेफ्ट एरो की जगह पे हमें चेक करना है राइट एरो, राइट एरो यहां पर चेक लगा दिया, एंड ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन जो है वो जो भी है एक्स हमारा, तो उसका जो है माइनस थ्री है, तो यहां पर हम प्लस थ्री करेंगे। ओके, प्लस थ्री, ग्रेट। चलिए हम अभी हमारे जो कोड है उसको हम थोड़ा सा टेस्ट आउट करते हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन है वो मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पर भी मुझे लेन नंबर भी डालना पड़ेगा, वो तो हम बाद में डाल देंगे। टेस्टिंग टाइम, हर बार आपको टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा गाइस, हर बार आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, तभी आपका गेम जो है वो प्रॉपर वर्किंग होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी प्रेस करके देखता हूँ, ये देखिए जा रहा है, लेफ्ट आ रहा हो तो लेफ्ट, अभी एक अभी एक और बार राइट प्रेस करूँगा तो राइट में जाएगा। ओके, फिर से लेफ्ट प्रेस करूँगा तो मिडल में आ जाएगा, एंड फिर से करूँगा तो लेफ्ट में चला जाएगा, लेकिन इसमें अभी एक और इश्यू है। ओके, अगर मैं इसमें और एक बार अगर लेफ्ट प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, तो ये बाहर चला जाता है, कहाँ पे जाए, ये देखिए ये हमारे लेन के ही बाहर आ गया। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक ही नहीं लगाया, वो हर बार मैं अगर लेफ्ट प्रेस करूँगा, ये देखिए अगर मैं गेम विंडो को यहाँ पर लाता हूँ, ओके, एंड हर बार मैं लेफ्ट प्रेस करूँगा तो वो लेफ्ट जाता रहेगा, वो हमने बस कोड किया है कि लेफ्ट राइट जाना चाहिए, लेकिन कितना जाना चाहिए ये भी हमने कोड किया है, लेकिन वो थ्री के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, ये साइड थ्री आ गया, उस साइड भी प्लस थ्री आ गया, लेकिन ये गेम के भी बाहर जा सकता है, इसीलिए हमें एक लेन नंबर भी देना पड़ेगा गेम को। ओके, ये देखिए बाहर चला गया है पूरा, एंड ये साइड आएगा, ये साइड भी बाहर चला जाएगा पूरा गेम के, सो इसके लिए हमें लेन नंबर देना पड़ेगा। सो लेन नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर जो है लेन नंबर वन दिया है हमने, तो यहाँ पर अगर उसने लेफ्ट प्रेस किया तो लेन नंबर इक्वल्स टू जीरो हमें यहाँ पर सेट कर देना है, एंड यहाँ पर भी हमें सेट करना है लेन नंबर इक्वल्स टू टू, राइट में जा रहा है तो लेन नंबर इक्वल्स टू टू करना है, या फिर लेन नंबर हमें यहाँ पर माइनस माइनस भी कर सकते हैं, माइनस माइनस माइनस। ओके, अगर लेफ्ट प्रेस कर रहा है तो, और यहाँ पर राइट प्रेस कर रहा है तो लेन नंबर प्लस प्लस, ग्रेट। तो हमें यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट एरो अगर प्रेस किया एंड ये जीरो से ऊपर नहीं जाना चाहिए और टू से आगे नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं चेक लगाता हूँ, एंड ओके, लेन नंबर लेस देन और इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, लेस देन एंड इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये लेन नंबर काम करना चाहिए, एंड यहां पर नीचे जो है मैं वो लेन नंबर एंड लेन नंबर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये हमको बाहर लिखना है शायद, राइट एरो की ये वाले एरो के बाहर लिखना है। ओके, एंड अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है तभी हमको जो है बाहर जाने को मिलेगा गाइस। ओके, ग्रेट। तो अभी हम इसको टेस्ट आउट करेंगे। ओके, तो हमारा गेम व्यू आ चुका है, एंड मैं यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। हम लोग चेक करते हैं हमारा प्लेयर है वो कौन से लेन में, अभी लेन नंबर अभी वन में है, लेन डिस्टेंस थ्री है, तो हमने यहाँ पर चेक के लगाया, लेफ्ट प्रेस किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए हमारा प्लेयर, हमने लेस देन और इक्वल टू डाला है, तो हमें यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू
एंड लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, लेन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो ही इस साइड आना चाहिए, नहीं तो वो नहीं आना चाहिए। तो हमें ये वाला कोड मैं अभी ट्राई करता हूँ। ओके तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग, गेम ये देखिए वन पे चला जाए और उसके बाद में हमारा जो प्लेयर है उसके ऊपर लेन नंबर जीरो है, तो ये अभी फिर से अगर मैं लेफ्ट साइड प्रेस करता हूँ तो वो नहीं जाना चाहिए। ओके तो वो चला गया माइनस वन में, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो उसके बाद में वो नहीं जा रहा है। टू टू के बाद थ्री भी जा रहा है, थ्री के साइड में नहीं जा रहा है, तो इक्वल टू हमें नहीं लगाना है आई गेस, हमें लेस देन और इक्वल टू वन और ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ही लगाना पड़ेगा। सो वन वन ओके, तो शायद अभी वो नहीं जाएगा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू वन, तो फिर अगर वन भी है तो भी वो जीरो जाएगा या तो नहीं, देखते हैं गाइस क्या होता है। ओके तो मैं जैसे ही अभी इसको प्ले करूंगा देखते हैं गाइस, यहाँ पर लेन नंबर वन है एंड मैं साइड में जाता हूँ तो लेन नंबर जीरो हो जाता है एंड उसके साइड में मैं जा ही नहीं सकता। ये देखिए लेन नंबर जीरो है तो इसीलिए साइड में नहीं जाएगा, और अगर मैं इस साइड आता हूँ तो लेन नंबर वन आ जाता है, उसके बाद भी इस साइड आता हूँ तो राइट साइड में आ गया लेकिन साइड में नहीं जाएगा। ओके तो यहाँ पर परफेक्ट हमारा हो रहा है वर्क, जो कि तीन साइड्स में ही जाना चाहिए प्लेयर को, वो तीन साइड में जा रहा है। ओके अभी बस हमको जंप का देखना है, जंप कैसे करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट साइड अप लेफ्ट राइट। ओके तो ये डायरेक्टली स्नैप कर रहा है, हम इसको बाद में इसको स्मूथ कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले हमें जंप का देखना है। जंप के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक रिजिड बॉडी लगाना पड़ेगा, एड कंपोनेंट ऑफ टाइप रिजिड बॉडी ग्रेट, रिजिड बॉडी यहाँ पर मास जीरो, नन, डिस्क्रीट, कोलिजन डिटेक्शन कंटिन्यूस, कंस्ट्रेंट्स में हमें जो फ्रीज पोजीशन, हमें रोटेशन भी फ्रीज करना है इसका, पोजीशन फ्रीज नहीं करते हैं, रोटेशन सिर्फ फ्रीज करेंगे नहीं तो वो गिर जाएगा ऐसे करके। ओके तो यहाँ पर मास भी है जीरो, इंटरपोलेट इस काइनेमेटिक में इसको ट्रू कर देता हूँ, यूज ग्रेविटी भी ट्रू, काइनेमेटिक है तो जगह पर ही रुकेगा, देखते हैं काइनेमेटिक में फॉल्स कर रहा हूँ एंड इसका जो रिजिड बॉडी है हम इसको लेंगे गाइस यहाँ पर प्राइवेट रिजिड बॉडी अंडरस्कोर आरबी। ओके प्राइवेट रिजिड बॉडी मैंने यहाँ पर ले लिया है, एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर अपडेट में डालना पड़ेगा else if, हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा की कोड डॉट अप एरो, अगर अप एरो प्रेस किया हमने तो क्या होगा यहाँ पर हम देखते हैं गाइस, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन है वो अप करेंगे और फिर डाउन करेंगे या फिर एड फोर्स करेंगे, अंडरस्कोर आर बी डॉट एड फोर्स, और मैं एड फोर्स पे क्लिक करता हूँ तो वेक्टर थ्री फोर्स, फोर्स कौन से टाइम पे लगेगा ये हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, वेक्टर थ्री फोर्स, फोर्स वेक्टर थ्री डॉट अप मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, हम यहाँ पर नॉट प्लस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, तो मैं यहाँ पर एक लेता हूँ पब्लिक फ्लोट फोर्स इक्वल्स टू 10 ग्रेट, देखते हैं गाइस क्या होता है, एंड फोर्स मोड हमें जो है कोई बात नहीं, फोर्स मोड हम इंपल्स भी डाल सकते हैं बाद में, पहले देखते हैं हमारा जो कैरेक्टर का कंट्रोलर है वो परफेक्टली वर्क करता है या नहीं करता है। ओके गाइस तो यहाँ पर हम लेफ्ट जा रहे हैं राइट जा रहे हैं एंड मैं अब प्रेस करता हूँ, टनल रेफरेंस ऑब्जेक्ट वॉज नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके हमने आर बी जो है वो सेट ही नहीं किया है, तो हमें आर बी जो है वो यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, स्टार्ट में मैं
अंडरस्कोर आर बी इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट ऑफ टाइप रिजिड बॉडी। हमने यहाँ पर आर बी लिया ही नहीं था। ओके तो यहाँ पर गेम स्टार्ट हो गया है। मैं लेफ्ट राइट मूव करता हूँ, देखिए लेफ्ट राइट अप, फोर्स जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ रहा है शायद, आई डोंट नो, देखते हैं हम फोर्स थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे। फोर्स को मैं 100 कर देता हूँ। ओके थोड़ा आ रहा है, तो अगर मैं इसको 1000 करता हूँ, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, बहुत ज़्यादा। मैं इसको 500, ओके परफेक्ट लग रहा है मुझे। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है गाइस, परफेक्ट। मैं इसको 400 करता हूँ, हाँ 500 ही परफेक्ट है। आपको इसको ऐसे प्ले टेस्टिंग करना पड़ेगा। ये देखिए ये टॉप में जंप कर रहा है, ग्रेट। ये देखिए मूव भी कर रहा है लेफ्ट हवे में भी, लेफ्ट साइड राइट साइड भी आता है जैसे चाहिए हमको, ग्रेट। तो मैं इस प्लेयर को 500 कर देता हूँ, फोर्स को 500, नाइस। डॉट यहाँ पे दो चार आएंगे, तो यहाँ पर फोर्स मोड डॉट एक्सेलरेशन यानी कि धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। फोर्स मोड डॉट फोर्स कंटिन्यूस फोर्स लगाता रहेगा यानी कि एक बुलेट जैसा। इम्पल्स और वेलोसिटी चेंज, तो इम्पल्स हम लगा के देखते हैं हम कितना फोर्स लगने वाला है। ओके तो मैं यहाँ पर इम्पल्स लगाता हूँ, एकदम झट एकदम फटाक से उसको फोर्स लगेगा, ऊपर जाएगा फिर से नीचे भी आएगा, देखते हैं कैसे हो सकता है। हमारा प्लेयर गाइज आप देख सकते हैं 4000, 5000, 8000, 9000 बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया। ओके तो वो जो फोर्स मोड था वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया था आई गेस। तो यहाँ पर हम 10 लगाएंगे, देखते हैं प्ले करके देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऊपर जंप कर दिया उसने एकदम से सुपरमैन टाइप। प्लेयर फोर्स यहां पर 10 है, देखते हैं अप, परफेक्ट। इंपल्स लगाया इसलिए गाइज ये परफेक्टली काम कर रहा है और 6 तक जा रहा है। ओके 5.96 यू कैन से। साइड में आता हूं, ये साइड में भी आता हूं, ये साइड जेड का पोजीशन है। ये गाइज ऊपर आगे भी जा रहा है तो हमें जेड जो है वो फ्रीज करना पड़ेगा। ये देखिए जेड का पोजीशन है, तो यहाँ पर जेड ये देखिए मूव करता हूँ, ये भी मूव कर रहा हूँ, ऊपर भी जा रहा हूँ, तो ये 2.5, 2.9, 3 ये जा रहा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, जेड पोजीशन जो है वो स्टॉप करना है इसका, फ्रीज पोजीशन इन जेड एक्सिस, ग्रेट। यानी यहाँ पर कर दिया। तो गाइज ये था पार्ट वन, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है लेकिन मैं इसको अभी क्रॉप करूँगा एंड थोड़ा सा टाइम भी कम कर दूंगा एंड फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।